नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है 9 अगस्त मंगलवार और आज है प्रदोष। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को यदि आज के दिन आप संध्या समय कर लेते हैं, आपको अचानक धन प्राप्त होगा, चाहे वो कहीं से भी हो, कहीं से भी। जैसे आप कोई बड़े संकट में घिरे हुए हैं और आपको धन चाहिए, सडनली आपको लगता है नहीं, कहीं से भी कोई दूसरा सोर्स नहीं है, कोई चमत्कार ही हो और मेरे पास पैसा आए, तो ऐसे में ये उपाय बहुत जबरदस्त रूप से काम करता है। क्योंकि कितनी बार हम उपाय तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो विश होती है, जो हमारा इंटेंशन है, वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा नीड में होते हैं किसी चीज की, कि नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मेरा ये वाला काम होना ही चाहिए, और जितनी ज्यादा आपकी नीड होगी, आपकी जरूरत के साथ आपका इंटेंशन जुड़ जाएगा, आपके अंदर का पावर जुड़ जाएगा, तो उपाय उतनी ज्यादा जल्दी सफल हो जाता है। तो यदि ऐसी कोई कंडीशन है कि आप बहुत ही गहरी नीड में है कि नहीं अभी के अभी होना चाहिए, मुझे पैसे मिलने ही चाहिए, इस उपाय को जरूर करें। क्योंकि आज प्रदोष भी है, तो आज जो संध्या समय आप उपाय करेंगे, उसका रिजल्ट बेहतर नहीं दोस्तों, बहुत बेहतर आएगा। 9 का अंक हनुमान जी का होता है, 9 का अंक मंगल का है, और आज मंगलवार है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की भी पूजा होती है, महाकाली माता की पूजा होती है, माँ दुर्गा की भी पूजा होती है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, मतलब मैं इससे ये सब कुछ आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज का जो मंगलवार है वो कंपैरेटिवली दूसरे मंगलवार से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मंगलवार से जुड़े हुए जो भी उपाय है यदि आपने आज के दिन किए, क्योंकि ऐसे उपाय आप और भी दिन कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आज के दिन यदि संध्या समय आपने इस उपाय को किया, तो रिजल्ट आपको बेहतर नहीं, बहुत बेहतर और बहुत जल्दी मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। आज आप एक पान का पत्ता ले आए और एक गुलाब का फूल, थोड़ा सा कपूर, तीन चीजों को लेकर के आप अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं माता दुर्गा के आगे। माता दुर्गा को आप कुमकुम का तिलक लगाएं, घी का दिया, अगरबत्ती और नैवेद्य में, प्रसाद में कोई भी मिठाई आप उनके आगे रखें। उसके बाद में आप उनकी पूजा करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि मेरा ये वाला काम हो, मुझे इतने रुपए इस तरीके से मिले। ठीक है, पान के पत्ते पर आप गुलाब के फूल को रख दें। गुलाब का फूल भी बिल्कुल आपको फ्रेश तरोताजा लेना है, पान का पत्ता भी आपको बिल्कुल फ्रेश लेना है, कटा फटा नहीं होना चाहिए, अखंडित होना चाहिए। पान के गल्ले पर आप जाएंगे और बोलेंगे मुझे पूजा के लिए चाहिए पान जो बिल्कुल कटा फटा ना हो, पीला ना हो गया हो, बिल्कुल हरा हो और अखंडित हो, ऐसा पान का पत्ता आपको लेना है, और उस पर आपको बिल्कुल फ्रेश गुलाब का फूल रखना है और कपूर उसके बाजू में रख करके आपको जला देना है। कपूर ऐसे जलना चाहिए कि गुलाब को टच होता रहे, मतलब गुलाब भी जल करके माता रानी तक पहुंचता रहे, और आपको इसको जला करके माता रानी की आरती उतारनी है। आरती उतार करके आप माता रानी को गुलाब पान और कपूर की आरती प्रदान करें, और ये जला हुआ गुलाब आप माता रानी को दे दें, जल चढ़ा दें, और उसके बाद में आप माता रानी को प्रणाम करिए। दोस्तों, धन आपके पास चाहे कहीं से भी आए, इस उपाय को करने के बाद धन आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, करके देखिए इस उपाय को। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जब मैंने पहले भी उपाय बताया था कि क्या हम जला हुआ गुलाब माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। हम जब माता रानी को हवन में जो चीजें अर्पित करते हैं वो जलाई ही जाती है, लौंग है, इलायची है, ये भी जलाई ही जाती है, और पुष्पों की जो पंखुड़ियां हैं वो हवन करने के बाद माता रानी को जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं वो हवन में ही जलाए जाते हैं। क्योंकि जो चीज आप जला देते हैं, जब वो जल जाती है, उसका जो धुआं है वो जब ब्रह्मांड में उड़ता है, तो ये धुआं ही है जो श्वास के रूप में देवी देवताओं तक आराम से पहुंच जाता है। तो ये क्रिया बिल्कुल
बिना किसी फॉल्ट की है और कोई डाउट करने का इसमें कोई भी विषय ही नहीं है। इस उपाय को करके देखें, अचानक आपको धन ना मिले तो आप कहना क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। कमेंट बॉक्स में जितने भी ऐसे लोग घुसे हुए हैं वो फ्रॉड है, मेरा फोटो लगाते हैं लेकिन नंबर इन तमाम फ्रॉड लोगों का है, तो इनसे आप बच करके रहें। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।